तो आपने देखा कि किस तरह हम मूल्यानुपात माध्य के आधार पर बहुत आसानी से निर्देशांकों के कैलकुलेशन कर लेते हैं। इस मेथड के भी अपने कुछ गुण दोष हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से गुण दोष हैं। मूल्यानुपात माध्य रीति के गुण दोष। मूल्यानुपात माध्य रीति का एक सबसे प्रमुख गुण यह है कि ये उन सभी इकाइयों से प्रभावित नहीं होता जिसमें मूल्यों को व्यक्त किया जाता है। इस रीति में ये सभी पद मूल्यों को समान महत्व दिया जाता है और सीमांत पद मूल्यों से प्रभावित नहीं होता। साथ ही इस रीति द्वारा निकाले गए जो निर्देशांक होते हैं वो इकाई जांच को संतुष्ट कर पाते हैं। इसका एक दोष यह है कि यह अभारित माध्य है, इसलिए निर्देशांक में सभी पद मूल्यों के महत्व को समान मान लिया जाता है और इस रीति द्वारा निकाले गए निर्देशांक फिशर के आदर्श निर्देशांक के विभिन्न मापदंडों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। अब हम इसका दूसरा मेथड यानी कि भारशील निर्देशांकों को देखते हैं। भारशील निर्देशांक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम साधारणता हम देखते हैं कि जब हम निर्देशांकों के कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर सभी वस्तुओं को समान महत्व देते हैं। जैसे अगर हम कीमतों में परिवर्तन की तुलना करते हैं तो एक माचिस के मूल्य में अगर परिवर्तन होता है और माचिस का मूल्य मान लीजिए 1 रुपया है और 1 रुपया से वो बढ़कर 50 पैसा हो जाता है, या 10 रुपये का एक बॉक्स आता है और वो बाद में बढ़कर 11 रुपये हो जाता है, तो उस वस्तु का महत्व। और अगर हम किसी महंगी वस्तु की बात करते हैं जैसे हम गेहूं चावल की बात करते हैं, उनके मूल्य में क्या वृद्धि हो रही है, तो वहाँ पर होने वाली वृद्धि का महत्व, क्योंकि अलग अलग उपयोगिता के आधार पर वस्तुओं का महत्व जो होता है वो अलग अलग होता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि किस वस्तु में परिवर्तन को कितना महत्व दिया जाए, या फिर वस्तुओं के महत्व के आधार पर उसका जो परिवर्तन का जो कैलकुलेशन है वो कैसे किया जाए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो भारशील निर्देशांक हम कैलकुलेट करते हैं वहाँ पर महत्व के आधार पर वस्तुओं को भार यानी कि वेटेज प्रदान किया जाता है। और इसके आधार पर जब हम निर्देशांकों की कैलकुलेशन करते हैं तो आइए देखते हैं कि हम कौन से दो प्रकार यहाँ पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर जब हम भारशील निर्देशांक कैलकुलेट करेंगे तो दो रीति का प्रयोग करेंगे, जिसमें पहली होगी मूल्यानुपात का भारित माध्य और दूसरा होगा भारित समूह रीति। तो किन फॉर्मूला का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे आइए देखते हैं, और देखते हैं कि इसके आधार पर हम प्रश्नों को किस तरह से हल करेंगे। मूल्यानुपातों का भारित माध्य निकालने के लिए हम जिस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे वो होगा P01 is equal to summation RW upon summation W, या फिर इस फॉर्मूले की जगह पर हम P01 is equal to summation ब्रैकेट में P1 upon P0 into 100 ब्रैकेट क्लोज into W upon summation W इस फॉर्मूले का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर R जो है वो मूल्यानुपात यानी प्राइस रिलेटिव है और W जो है वो वेट यानी कि भार है। भारित समूह रीति के अंतर्गत हम भार के अनेक तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जिन समीकरणों का प्रयोग करते हैं उनमें सबसे प्रमुख है लेस्पियर मेथड। लेस्पियर मेथड से जब हम निर्देशांक की कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं P01 is equal to summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 into 100। इस सूत्र में प्रयोग किया गया P01 चालू वर्ष का कीमत निर्देशांक दर्शाता है, इसी तरह P1 is equal to चालू वर्ष या वर्तमान वर्ष का मूल्य, P0 is equal to आधार वर्ष की कीमत, Q0 is equal to आधार वर्ष की मात्रा, समीशन P1 into Q1 is equal to आधार वर्ष की मात्रा एवं चालू वर्ष की कीमतों के गुणनफल का योग, समीशन P0 Q0 is equal to आधार वर्ष की मात्रा तथा आधार वर्ष की कीमतों के गुणनफलों का योग। पाश्चात्य विधि के अनुसार भारित समूह रीति द्वारा निर्देशांकों की गणना करने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है P01 is equal to summation P1 Q1 upon summation P0 Q0 into 100। इस सूत्र में P01 is equal to चालू या वर्तमान वर्ष का कीमत निर्देशांक, समीशन P1 Q1 is equal to चालू वर्ष की कीमत एवं चालू वर्ष की मात्रा के गुणनफलों का योग, समीशन P0 Q0 is equal to आधार वर्ष की कीमत एवं चालू वर्ष की मात्रा के गुणनफलों का योग। फिशर विधि के अनुसार भारित समूह रीति से निर्देशांकों के कैलकुलेशन के लिए हम दो तरह के सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला,
P01 is equal to under root summation P by Q1 upon summation P0 Q0 into summation P1 Q1 upon summation P0 Q0 into 100. या फिर इस फॉर्मूले के स्थान पर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, 100 इंटू अंडर रूट समिशन P1 Q0 अपॉन समिशन P0 Q0 इंटू समिशन P1 Q1 अपॉन समिशन P0 Q1। यहां पर P01 इज इक्वल टू चालू वर्ष या वर्तमान वर्ष का कीमत निर्देशांक, समेशन P1 Q0 इक्वल टू आधार वर्ष की मात्रा एवं चालू वर्ष की कीमतों के गुणनफल का योग, समेशन P0 Q0 इज इक्वल टू आधार वर्ष की मात्रा तथा आधार वर्ष की कीमतों के गुणनफल का योग, समेशन P1 Q1 इज इक्वल टू चालू वर्ष की कीमत एवं चालू वर्ष की मात्रा के गुणनफलों का योग, समिशन P0 Q1 इज इक्वल टू आधार वर्ष की कीमत एवं चालू वर्ष की मात्रा के गुणनफलों का योग होगा। भारित समूह रीति को डर्बिश एवं बाउले विधि से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला होगा P01 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में समिशन P1 Q0 अपॉन समिशन P0 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 ब्रैकेट क्लोज इनटू 100। मार्शल एजवर्थ विधि के अनुसार फॉर्मूला होगा P01 इज इक्वल टू समेशन P1 ब्रैकेट में Q0 प्लस Q1 समेशन ब्रैकेट क्लोज अपॉन समेशन P0 ब्रैकेट में Q0 प्लस Q1 ब्रैकेट क्लोज इनटू 100। या फिर इस फॉर्मूले के स्थान पर हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो होगा P01 is equal to summation P1 Q0 plus summation P1 Q1 upon summation P0 Q0 plus summation P0 Q1 into 100। आइए इन विधियों के आधार पर कुछ प्रश्नों को देखते हैं। भारशील निर्देशांकों के अंतर्गत मूल्यानुपातों का भारित माध्य निकालने के लिए जो प्रश्न दिया गया है उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि यहाँ 1980 को आधार वर्ष मानकर 1985 के लिए भारित निर्देशांक की रचना हमें करनी है। इसके लिए जो प्रश्न दिया गया है उसमें वस्तुएं दी गई हैं, भार दिया गया है और 1980 और 1985 की कीमतें दी गई हैं। इसके लिए जब हम टेबल का निर्माण करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे टेबल का प्रारूप होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें हम कुल मिलाकर 6 कॉलम का निर्माण यहाँ पर करेंगे। पहला जो कॉलम होगा उसमें हम वस्तुओं को लिखेंगे, दूसरा जो कॉलम होगा उसमें वेट या भार को लिखेंगे, तीसरे कॉलम में और चौथे कॉलम में दोनों में हम 1980 और 1985 की कीमतों को लिखेंगे, और पांचवा जो हमारा कॉलम होगा जैसे कि अभी हमने देखा था मूल्यानुपात का, तो मूल्यानुपात के लिए पांचवा कॉलम बनाएंगे और छठवें कॉलम में हम मूल्यानुपात और भार का जो गुणनफल होगा, यानी कि अभी हमने R जो कैलकुलेट किया है रेशियो का और वेट W जो हमने यहाँ पर लिखा है, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का जो गुणनफल है, उसके लिए हम छठवें कॉलम का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला जो हमारा कॉलम है वहां पर हमको वस्तुएं लिखनी है A B C D और E। सेकेंड कॉलम में वेट हमको लिखना है, भार लिखना है जो प्रश्न में दिया गया है 40, 25, 5, 20 और 10। हमको क्योंकि फॉर्मूले के लिए इसके समेशन या टोटल की जरूरत पड़ेगी, समेशन W वेट के योग की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, समेशन W इज इक्वल टू 100। अब हम नेक्स्ट कॉलम में 1980 की कीमत को लिखेंगे, यानी P0 से हम इसको प्रदर्शित करेंगे और प्रश्न में जिस तरह से दिया गया है एज इट इज हम यहाँ पर नोट कर लेंगे 16, 40, 5.25 और 2। 1985 जिसे हम P1 से प्रदर्शित करेंगे इसके लिए जो कीमतें हैं वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ नोट कर लेंगे 20, 60, 0.5, 6.25, 1.5। अब क्योंकि हमें P0 और P1 दोनों ही मिल गए हैं तो हम इसके आधार पर बहुत आसानी से मूल्यानुपात कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि मूल्यानुपात का फॉर्मूला हम यहाँ पर देख रहे हैं R इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो जब हम वस्तु A का मूल्यानुपात कैलकुलेट करेंगे तो हम देखते हैं वस्तु A के लिए P1 20 है और P0 16 है, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 16 इंटू 100 इज इक्वल टू 125। वस्तु B के लिए हो जाएगा
60/40 × 100 = 150। वस्तु सी के लिए हो जाएगा 0.50/0.50 × 100 = 100। वस्तु डी के लिए हो जाएगा 6.25/5.25 × 100 = 119। और वस्तु ई के लिए हो जाएगा 1.50/2 × 100 = 75। अब मूल्यानुपात हमने ज्ञात कर लिया है और वेट हमारे पास पहले से था सेकंड कॉलम में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने नोट किया था। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आगे फॉर्मूले में हमको यहाँ पे गुणनफल चाहिए मूल्यानुपात और भार का, R into W। तो ये सिक्स कॉलम में हम R W का हमने कॉलम बनाया है, तो हम इसको W से ये जो R की हमको जो वैल्यू मिली है, मूल्यानुपात की जो वैल्यू मिली है, उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 14 × 125 = 5,000, 25 × 150 = 3,750, 5 × 100 = 500, 20 × 119 = 2,380, 10 × 75 = 750। यहाँ पे क्योंकि हमको इसके समेशन की जरूरत पड़ेगी, समेशन आर डब्ल्यू की, तो समेशन आर डब्ल्यू इक्वल टू 12,380। अब बहुत आसानी से हम इसके फॉर्मूले में इसको रखकर इसका मान निकाल लेंगे। भारित निर्देशांक का फॉर्मूला है हमारे पास समेशन आर डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। समेशन आर डब्ल्यू हमने यहाँ पर 12,380 फाइंड आउट किया था और अपॉन समेशन W है 100, तो ये हमारा आंसर भारित निर्देशांक का आ जाएगा 123.8। भारित समूह रीति से निर्देशांक की गणना करने के लिए जो प्रश्न यहाँ दिया गया है, इस प्रश्न में लेस्पियर विधि, पाश्चे विधि और फिशर विधि तीनों ही विधियों का प्रयोग करते हुए निर्देशांकों की गणना करनी है। इस प्रश्न में वस्तुएं दी गई है ए बी सी डी, यहाँ पर आधार वर्ष और चालू वर्ष अलग अलग दिए गए हैं और दोनों ही वर्ष में आप देख रहे हैं कि मात्रा और कीमतें दी गई हैं। अब भारित समूह रीति द्वारा निर्देशांकों की गणना करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से टेबल का निर्माण करेंगे। इस टेबल के अंतर्गत हम 9 कॉलम बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले कॉलम में हम वस्तुओं को लिखेंगे और जो दूसरा कॉलम है वो आधार वर्ष का होगा। यहाँ पर दूसरे और तीसरे कॉलम को मिलाकर हम आधार वर्ष ले लेंगे और दूसरे कॉलम में हम आधार वर्ष की मात्रा, जिसे हम Q0 से प्रदर्शित करेंगे, और तीसरे कॉलम में हम आधार वर्ष की कीमत, जिसे हम P0 से प्रदर्शित करेंगे, लिख लेंगे। चौथे और पांचवे कॉलम को मिलाकर हम चालू वर्ष की एंट्रीज यहाँ पर करेंगे, तो चौथे कॉलम में हम चालू वर्ष की मात्रा यानी कि Q1 को लिख लेंगे और पांचवे कॉलम में हम चालू वर्ष की कीमत यानी P1 को लिख लेंगे। उसके बाद के कॉलम में हम P0, Q0 लिखेंगे और उसके बाद सातवें कॉलम में हम P1, Q0 लिखेंगे, आठवें कॉलम में हम P1, Q1 लिखेंगे और नौवें कॉलम में हम P0, Q1 लिखेंगे। अब जब हम इस टेबल में इसकी वैल्यूज लिखेंगे तो हम देखते हैं कि सबसे फर्स्ट कॉलम में जो वस्तुएं हैं उनको हम अंकित कर लेंगे ए बी सी डी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो दूसरा और तीसरा कॉलम है वो आधार वर्ष के लिए है, तो दूसरे कॉलम में हम आधार वर्ष के पहले क्वांटिटी लिखेंगे और फिर कीमत। तो क्वांटिटी यहाँ पर दी गई है, जिसे हम Q0 से प्रदर्शित कर रहे हैं, 2463, और कीमत दी गई है 4532। वैसे ही चौथे कॉलम और पांचवे कॉलम में हम चालू वर्ष की मात्रा और कीमत को लिख लेंगे, तो चालू वर्ष की मात्रा यानी Q1 है 3675 और चालू वर्ष की कीमत है यानी P1 है 6743। अब नेक्स्ट जो चार कॉलम बनेंगे उसमें हमको इन्हीं पहले लिखे गए कॉलम को मल्टीप्लाई करते हुए लिखते जाना है। तो जो हमारा अगला कॉलम है वो है P0 Q0। हम यहाँ पर P0 का कॉलम देख रहे हैं और Q0 का कॉलम देख रहे हैं। P0 और Q0 को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2 × 4 = 8, 4 × 5 = 20, 6 × 3 = 18 और 3 × 2 = 6। समेशन P0 Q0 हो जाएगा 52। अब नेक्स्ट कॉलम में हमारा है P1 Q0, तो हम यहाँ पर P1 वाले कॉलम को Q0 वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, यानी 2 × 6 = 12, 4 × 7 = 28, 6 × 4 = 24
और 3 × 3 9। हम इसका भी समेशन कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूले के लिए हमें इन समेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगा समेशन P1Q0 इज इक्वल टू 73। नेक्स्ट कॉलम में आएगा P1Q1। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि P1 और Q1 दोनों ही कॉलम है हमारे पास, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 3 × 6 = 18, 6 × 7 = 42, 7 × 4 = 28, 5 × 3 = 15। अब हम इसका समेशन कर लेंगे, समेशन P1Q1 इज इक्वल टू 103। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा कॉलम है वहां पर हमको P0Q1 की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि P0 भी है हमारे पास और Q1 भी है हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई करते चलें। 4 × 6, 4 × 3 = 12, 5 × 6 = 30, 3 × 7 = 21, 2 × 5 = 10। इसका हम समेशन कर ले यहाँ पर, समेशन P0Q1 इज इक्वल टू 73। अब क्योंकि हमको लेस्पियर विधि, पास्चे विधि और फिशर विधि तीनों ही विधि द्वारा निर्देशांक की गणना करनी है और तीनों ही विधियों में जिन फॉर्मूले की हमको जरूरत थी वो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है, तो हम बहुत आसानी से इन फॉर्मूले में इनका मान रखकर हम तीनों ही विधियों के आधार पर निर्देशांकों की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेस्पियर विधि से निर्देशांक की गणना करेंगे। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला चाहिए, P01 इज इक्वल टू समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q0 इनटू 100। यहाँ पर हम टेबल में देख रहे हैं कि समेशन P1Q0 की वैल्यू 73 है और समेशन P0Q0 की वैल्यू 52 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 73 अपॉन 52 इनटू 100, ये हो जाएगा 140.38। लेस्पियर विधि से निर्देशांक की गणना हमने कर ली। अब सेकेंड हम पाश्चे विधि से निर्देशांक की गणना करेंगे। तो पाश्चे विधि से निर्देशांक की गणना करने का फॉर्मूला है हमारे पास P01 इक्वल टू समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q1 इनटू 100। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि समेशन P1Q1 जो है टेबल में 103 है और समेशन P0Q1 जो है वो 73 है। तो ये हो जाएगा 103 अपॉन 73 इनटू 100। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पाश्चे विधि द्वारा निर्देशांक का आंसर मिल जाएगा 141.09, या राउंड फिगर में हम इसको 141 भी कह सकते हैं। तीसरी विधि यानी फिशर की निर्देशांक विधि जो है उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो होगा P01 इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0Q0 इंटू समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q0 इंटू 100। अब क्योंकि यहाँ पर जितनी वैल्यूज दी गई है सबको हमने टेबल में फाइंड आउट कर लिया है, तो उन सबके मान हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर रखते जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हो जाएगा 100 इंटू अंडर रूट 73 अपॉन 52 इंटू 103 अपॉन 73। अंडर रूट जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट 1.9808 और इसको जब हम अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.4074 और जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो ये हमको मिल जाएगा फिशर का निर्देशांक 140.74 के लगभग।